उसमें इतना लीन हो गए कि लगा शंकर जी को समाधि वहीं लग जाएगी। बगल में बैठी जगत जननी सती भवानी के मन में विचार आ रहा है, सरकार हमारे पतिदेव त्रिपुरारी शंकर हैं, बाबा भोले भंडारी हैं, उनके दरवाजे पर जो कोई आता है खाली नहीं जाता, और यहां मैं क्या देख रही हूं, यहां तो उल्टी गंगा बह रही है भैया, यहां तो गंगा जो है दूसरी धार में बह रही, बहने को पूरब तो बह रही है पश्चिम। योगी जति मुनि जो है भगवान शिव का ध्यान करते हैं, लेकिन शिव किसका ध्यान करते हैं, यहां तो गंगा ही उल्टी हो गई महाराज। सती के मन में इसी प्रकार का विचार आने लगा, भैया लेकिन प्रभु का क्या, भगवान तो राम में जो है लीन हो गए, कुछ दिन तक कथा का श्रवण किए, श्रवण कराए, उसके बाद वहां से जब निकले हैं तो दंडक वन रास्ते में पड़ा, उधर से ही होकर के बाबा भोले भंडारी निकल रहे हैं मैया सती के साथ। तो क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या वहां दृष्टांत होता है, या उसमें देख रहे हैं कि भगवान राम जो है अपने भाई लक्ष्मण के साथ दंडक वन में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और इधर बाबा जो है मेरे भोले बाबा क्या कर रहे हैं, जय भैया। सती के मन में वहां जो है संदेह उत्पन्न हो गया। सती जी विचार कर रही हैं, क्या कह रही हैं, महाराज मेरा जो यह पति है इसका एक ही स्वरूप है, क्या क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, यह क्षण में रुष्ट होता है क्षण में तुष्ट होता है, कब रुष्ट होता है कब तुष्ट होता है इसका पता नहीं चलता। यह स्थिति भगवान शंकर के भक्तों के लिए है, भगवान शंकर के जो भक्त हैं कब भगवान नाराज होते हैं और कब उसी पे प्रसन्न हो जाता है पता नहीं चलता। सती जी विचार कर रही है मन में, यही विचार उनके मन में चल रहा है, बोले क्या, शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावर सीसा, सुर नर मुनि सब नावर सीसा। विचार कर रही भैया, सुर नर मुनि देवता मनुष्य संत समाज जो शंकर जी है उनके चरण की वंदना करता है, और यह किसकी वंदना करते हैं, दंडक वन में घूम रहा है, दंडक वन में घूम रहा है, तपस्वी का वेश बनाया हुआ है, एक भाई उसके साथ है, अपने भाई के साथ घूम रहा है, किस चीज में किस लिए घूम रहा है, तो अपने पत्नी के विरह में घूम रहा है भैया, पत्नी के विरह में वह घूम रहा है, और मेरे सरकार उन्हीं को देख करके मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं। प्रिया कारण बन में भटके उकई संत भगवान, ओ प्रिया कारण बन में भटके उकई संत भगवान, ओ सुन ले गानी इनका पग से करी गई मुनि के पति।
बोले महाराज, सती जी को भ्रम हो गया। सती जी अपने सतीत्व को नहीं पहचान पाई। जगत जननी शब्द बाबा ने उनके लिए लिखा, आज वह शब्द फेल मार गया, वह शब्द उन पे लागू नहीं हुआ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्र को समझ न सकी और भगवान शंकर पे ही संदेह करना शुरू कर दिया। बोले महाराज, यदि यह भगवान है तो यह स्त्री के लिए मन में क्यों भटकेंगे? भगवान तो इन सबसे परे होते हैं महाराज, उनको तो कोई विकार हो ही नहीं सकता है, यह क्यों घूम रहे हैं? और ऐसे घुमक्कड़ी स्वभाव वाले जो अपनी स्त्री के चक्कर में दंड कवन में घूम रहा है, उसको जो है मेरा मतवारा पति प्रणाम कर रहा है। संशय हो गया मन में, संशय को बाबा से सती मैया कह रही है। भोलेनाथ ने बस इतना ही कहा, सती वह राम है, उनकी मर्यादा को पहचानो जानो। लेकिन भैया, जब व्यक्ति के ऊपर, उनके नेत्र के ऊपर माया रूपी पर्दा पड़ जाता है तो फिर आप लाख समझा लो, कितना भी समझा लो, वह समझने को तैयार नहीं होता। बोले महाराज, शंकर भगवान से प्रश्न करी, भगवान शंकर ने कहा, अब बस का नहीं है भैया, जाओ। देखिए महाराज, परीक्षा की स्थिति आ गई सामने। अब सती मैया परीक्षा को तैयार हो गई। किसके परीक्षा ले रही है? जो जो जगत के आधार है, इस चराचर के स्वामी है। मन में विचार कई ले हम परीक्षा आई गई दीना, सती ओही बीचे बनवा आई गई दीना, सती ओही बीचे बनवा में आई गई दीना। प्रभु की प्रणाम पिता समेत।
बोले महाराज अब परीक्षा की स्थिति बन गई, परीक्षा लेने को तैयार हो गई, और परीक्षा ही लेने को तैयार नहीं हुई, सती मैया सीता का रूप धारण कर लिया और सीता का रूप धारण करके दंडक वन में पहुंच गई। बाबा भोलेनाथ ने मन ही मन ध्यान किया और विचार किया, क्या किया, होई ही सोई जो राम रचिता को करी तर कर या भगवान शंकर ने विचार किया अब कहने की स्थिति नहीं है, अब तो मैं अपने राम पे छोड़ देता हूँ, जो होना होगा सो प्रभु श्री राम जाने, उनका जो विचार होगा उनकी जो इच्छा होगी वो अपनी कृपा के अनुसार कर लेंगे, अब मेरा रोक टोक करने का कोई हिसाब नहीं है। सती जी जब वहां पहुंच रही है सीता के भेष में, तो भैया भगवान भले ही मर्यादा के रूप में नर के रूप में नारायण आया हुआ है और मर्यादा को साथ लेके आया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके नेत्र से कुछ दूर हो, कुछ जान न सके। भगवान राम ने तुरंत सती मैया को